आरा नगर निगम के चुनाव को लेकर जनसंपर्क में प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। सुबह से लेकर शाम तक प्रत्याशी सभी वार्डों में पहुंचकर जनसंपर्क कर लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। इसी क्रम में मेयर प्रत्याशी आरजू खातून ने मां अरण्य देवी मंदिर में दर्शन कर देवी स्थान में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने आरा शहर के कई मोहल्लों में भी जनसंपर्क किया। इस क्रम में मेयर प्रत्याशी आरजू खातून ने शहर के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए लोगों से सहयोग मांगा। उन्होंने लोगों से विकास के लिए ईमानदारी से कार्य करने का भरोसा दिया। कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार से विकास योजनाओं का भरपूर लाभ आरा की जनता को दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने लोगों से समाज के हित के लिए हमेशा आगे रहने की बात कही। मेयर प्रत्याशी आरजू खातून ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इस चुनाव में उन्हें लोगों का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। कई इलाकों में लोगों ने उन पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में उनकी जीत होती है तो आरा के विकास के लिए कई कदम उठाएंगी, जिसमें उन्होंने आरा को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाने का संकल्प लिया है। साथ ही लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज बनाने के लिए स्वस्थ मानसिकता वाले प्रतिनिधि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जीत हासिल होने के बाद आरा शहर को साफ सुथरा और विकसित बनाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। हर वार्ड को विकसित किया जाएगा। बस सभी की आशीर्वाद और सभी की दुआ से ही कुछ होता है। हम अल्लाह बोले या भगवान बोले, हमारे लिए सेम है। लोगों से क्या अपील करिएगा? लोगों से अपील ये करते हैं कि सभी लोग इस बार मेरा साथ दें और अपना वोट भारी मतों से देकर हमें विजय बनाएं, ताकि शहर का अच्छा से विकास हो सके, शहर सुंदर बन सके। रहते हैं जी, हम पूरा विश्वास करे हैं। तो क्या लगता है कि इस बार आरजू खातून को जीत मिलेगी? आप साथ में है तो एकदम जीतेगी, एकदम माता रानी जीताएगी, एकदम पूरा विश्वास है। बहुत विश्वास के साथ आई हूँ, माता से निवेदन करती है कि हे माता मेरा कल्याण हो। जी बताइए, क्या नाम हुआ आपका?